बस इट्स शिवांगी माहेश्वरी हेयर एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। शिवांगी माहेश्वरी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ही सेकेंड वीक के जो करंट अफेयर्स जो वीकली करंट अफेयर्स हैं उसकी सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। हमने इससे पहले अप्रैल के करंट अफेयर्स भी देखे हुए हैं। अगर किसी भी व्यूअर ने अप्रैल एंड मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो उससे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, आप प्लीज़ बहुत ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम जो इस सीरीज़ में जो करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं आज करंट अफेयर कराने जा रही हूँ वो पूरे वीक के हैं, वो 15 मई तक के करंट अफेयर हैं और आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस जिनके सबसे ज़्यादा रहेंगे। अदर क्वेश्चंस के मुकाबले इनके 99% चांसेस हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि मैं जो क्वेश्चंस निकाल कर लेकर आती हूँ या जो क्वेश्चन चूज़ करती हूँ उन क्वेश्चंस को आने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ पहलू देखकर क्वेश्चन चूज़ करती हूँ। तो चलिए हम इस करंट अफेयर की सीरीज़ में शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोला जा रहा है, हाल ही में भारतीय नागरिकों को कोरोना वायरस के चलते भारत वापस लाने के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की है। तो भारत ने भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, वंदे भारत मिशन, समुद्र सेतु या INS जलाशय, संजीवनी मिशन। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है वंदे भारत मिशन। हाल ही की बात हो रही है, हाल ही में जो भारत ने कोरोना वायरस के तहत जो भारत के बाहर फंसे हुए जो भी भारत के नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है समुद्र सेतु, तो ये समुद्र सेतु क्या है, तो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए INS जलाशय भेजा गया था जो कि मालदीव भेजा गया था, यह समुद्र सेतु प्रोग्राम के तहत भेजा गया था, ठीक है। तो INS जलाशय कहाँ भेजा गया था, आपका मालदीव भेजा गया था और समुद्र सेतु अभियान के तहत भेजा गया था। और अभी जो मिशन शुरू किया है वो है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत 14,800 भारतीय नागरिकों को कोरोना वायरस के चलते भारत वापस लाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किस गैस का रिसाव हुआ है। तो अभी चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, MIC एंड स्टायरीन। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा स्टायरीन। तो हाल ही में कोरोना मतलब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्टायरीन नामक एक गैस का रिसाव हुआ है, इसकी वजह से करीब 10 से 11 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये देखिए एक दमघोटू गैस है, इसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इससे पहले यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पर मिथाइल आइसोसाइनेट, तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी उस टाइम ये गैस रिलीज हुई थी। और जो MIC और मिथाइल आइसोसाइनेट एक ही बात है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में MIC लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो हमारे फ्रिज वगैरह में यूज़ होने वाली एक गैस है जो कि हमारा ओजोन लेयर डिप्लीटेशन में बहुत मदद कर रही है, यानी कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसका एक मेन रीज़न, उसका मुख्य कारण आपका ये देखा जा सकता है, जो भी ठंडा रखने वाली गैसेज होती हैं फ्रिज को AC को ठंडा रखने वाली जो गैसेज होती हैं उनमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन शामिल है और ये ओजोन लेयर के डिप्लीटेशन में काफ़ी मतलब उसका योगदान है। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं। देखिए लोक लेखा समिति होगा यहाँ लोक लेखा समिति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुना गया है। तो हम देखते हैं ये अधीर रंजन चौधरी और इन्हें ही अभी संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2020 के लिए नैनो विज्ञान यूपी में, यूपी नहीं है यहाँ पर होगा 2020 के लिए नैनो विज्ञान एंड युवा, यहाँ पर युवा होगा, ओके क्या होगा युवा, ओके युवा ये यूपी नहीं यहाँ पे, ठीक है। नैनो विज्ञान एंड युवा करियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, सौरभ लोढ़ा, अधीर रंजन चौधरी, श्रीकांत वैद और रवीश कुमार। देखिए अभी हमने अधीर रंजन चौधरी वाला क्वेश्चन पढ़ा था तो उसका आंसर अधीर रंजन चौधरी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब हमारे जो तीन ऑप्शन रह गए उनमें से जो ऑप्शन सही है सौरभ लोढ़ा, तो सौरभ लोढ़ा ही अभी नैनो विज्ञान एंड युवा प्रौद्योगिकी के युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट के फील्ड में काम करते हैं ये है हमारे रवीश कुमार, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यह बोला जा रहा है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान हाल ही में पीला फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर शुरू किया है, ठीक है। ये संकल्प योजना के तहत शुरू किया गया है दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, ओके। तो ये संकल्प योजना के तहत शुरू किया गया, तो किस प्रदेश में शुरू हुआ है, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं,
चारों ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड छत्तीसगढ़। तो आपका जो ऑप्शन नंबर वन होगा वो सही हो जाएगा। हाल ही में सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, हाल ही में ई बुक विजयन एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। बिजयंत ने 1999 में कारगिल की लड़ाई में प्राण न्यौछावर किए थे। ठीक है, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो बिजयंत थे उन्होंने कारगिल की लड़ाई में जो कि 1999 में हुई थी उसमें अपने प्राण न्यौछावर किए थे, और इसके लिए इन्हीं के पिताजी और इन्हीं की बहन नेहा द्विवेदी और बीएन थापर ने मिलकर एक बुक लॉन्च की है। इस बुक का नाम है विजेंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ठीक है, इसका मतलब यह है इसके दोनों उपयुक्त ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आपको बुक का ध्यान रखना है, विजेंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये किसने लॉन्च की है? नेहा द्विवेदी एंड बीएन थापर ने। ठीक है, ये ई बुक है। ओके, आपको ध्यान रखना है ये ई बुक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। IOCL इंडियन ऑयल के न्यू चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है श्रीकांत माधव बैग, दूसरा ऑप्शन है सौरभ लोढ़ा, तीसरा ऑप्शन है राम वेंकट रमन और चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। तो हाल ही में श्रीकांत माधव बैद को IOCL इंडियन ऑयल के न्यू चेयरमैन के तौर पे नियुक्ति। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपके चार ऑप्शन है झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो अभी हाल ही में वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा कुछ ही टाइम पहले नीलांबर पीतांबर योजना शुरू की गई थी। ये जो थी हमारी जल से संबंधित थी, और अभी वृक्षारोपण के लिए जो योजना शुरू की गई है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? झारखंड द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, RBI के डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका बोला है तरुण बजाज, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है श्री राम वेंकट रमन और चौथा है अजिंक्य रहाणे। तो हाल ही में तरुण बजाज जी को RBI के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो आपके चार ऑप्शन है 8 मई, 15 मई, 16 मई या 9 मई। तो 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? अगर किसी की इमीडिएटली एक्सीडेंट हो जाता है तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसे प्रोवाइड करने के लिए और छोटी मोटी इस तरीके की हेल्प करने के लिए, एम्बुलेंस इस तरीके की सेवा प्रोवाइड करने के लिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और इसका साइन ये होता है, ये प्लस का साइन आपने देखा होगा, तो ये इसी रेड क्रॉस डे का साइन होता है। ठीक है, रेड क्रॉस का साइन होता है, एक संस्था है हमारी। एल्सा का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके चार ऑप्शन है यहाँ पर, एल्सा का ब्रांड एम्बेसडर यह इंग्लिश बोलना सिखाती है, यह जो संस्था है एल्सा ये इंग्लिश बोलना सिखाती है। चार ऑप्शन अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, धोनी अनूप या कपिल देव। तो अभी फिलहाल ही में एल्सा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारे क्रिकेटर हैं, भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष फिर से नियुक्त कर दिया गया है? ये उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कुछ नहीं है। तो हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है, यानी कि इससे पहले भी तो और दोबारा से नियुक्त हो गए हैं। तो आपके चार ऑप्शन है दीपा मलिक, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली या कुमार संगकारा। तो हाल ही में कुमार संगकारा को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है? तो चार ऑप्शन है आपके, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने पान मसाले पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। और ये बैन क्यों लगाया गया है? बिकॉज ऑफ पान मसाले में MgNO3 होता है जो कि हानिकारक होता है, सही नहीं होता। और इसके अलावा पान मसाला इधर उधर थूकने पर COVID-19 के फैलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाले पर रोक लगा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, इस संबंधित एक अवार्ड मिला था। तो ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आपके चार ऑप्शन है सिद्धार्थ भरद्वाजन, हरीश कुमार, रवीश कुमार या दारा यासीन। तो सिद्धार्थ भरद्वाजन को अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने अभी देखा होगा जो लास्ट था फोटोग्राफी के लिए दारा यासीन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको वो ध्यान रखना है। इसके अलावा रवीश कुमार भी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जर्नलिज्म के फील्ड में ही हैं और इन्हें भी काफ़ी अवार्ड्स वगैरह प्रदान किए जाते रहते हैं।
ऑपरेशन समुद्र सेतु हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थलसेना, भारत सरकार। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय नौसेना से आपका क्या मतलब है? ऐसी सेना जो समुद्र से संबंधित जो कोस्टल एरिया में सेना बनकर कार्य करती है, ठीक है। तो समुद्र से संबंधित जो कोस्टल एरिया में तैनात रहती है, तो उस सेना को हम भारतीय नौसेना कहते हैं, ठीक है। और जो भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना है, वो लगभग लगभग 1600 ईस्वी से काम कर रही है। 1600 ईस्वी से आप समझ रहे हैं, लगभग 500 साल हो गए इसे करते करते काम, ठीक है। 2000 सेंचुरी चल रही है, लगभग 400 साल कंप्लीट हो गए हैं, पाँचवा साल चल रहा है। तो भारतीय नौसेना 1600 के करीब में बनी थी और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना को भेजा गया है। अब कहाँ भेजा गया है, कैसे भेजा गया है, देखिए आपको ध्यान रखना है, INS केसरी, ठीक है। INS केसरी के तहत एक INS भेजा गया है, INS यानी कि जहाज। इस INS को भेजकर, इस INS का नाम भी आपको ध्यान रखना है, INS केसरी, हाँ, इंडिया है अगर हमारी। तो इसके साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर मालदीप और ऐसी छोटी छोटी कंट्री हैं, पूरी 5 कंट्रीज। इन कंट्रीज में से जो फंसे हुए लोग हैं उनको वापस लाने के लिए INS केसरी भेजा गया और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भेजा गया इसके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कर्मी बोट रोबोट किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में केरल सरकार ने कर्मी बोट रोबोट तैयार किया गया, ये जो सैनिटाइजर सेल्फ सैनिटाइज कर सकेगा और इसमें कुछ इस तरीके से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान प्रोवाइड कराकर जो मरीज है उनको सेवा प्रोवाइड करा सकेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो मरीज हैं वो डॉक्टर्स के संपर्क में नहीं आएंगे और डॉक्टर्स भी COVID-19 से सुरक्षित रह सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, हमें दो क्वेश्चन का देखना है। एक तो ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु से संबंधित, आपको मुझे दिखानी है उन 5 कंट्रीज के नाम, और कर्मी बोट रोबोट। तो चलिए हम कर्मी बोट रोबोट को देख लें। आपको ये रोबोट दिखाई दे रहा है, ये है आपका कर्मी बोट रोबोट। देखिए इस पे नाम भी लिख रहा है, केरल सरकार द्वारा तैयार किया गया है। ये देखिए यहाँ से डिसइंफेक्शन, जो भी मतलब छोटे छोटे वायरस होते हैं उनको भी डिसइंफेक्शन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप, खाना रखा हुआ है, तो फूड और ये जो जरूरी एसेंशियल नीड्स होती हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर से हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में नकुलानी नाथुला पास होगा यहाँ पर, ओके। नथुलानी नाथुला पास, नाथुला पास के पास भारत और चीन के बीच झगड़ा हुआ है, इस तरीके से भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई है, ठीक है। यह किस राज्य में? तो नाथुला पास आपका सिक्किम में है, तो मैं आपको नाथुला पास दिखा देती हूँ किधर साइड। तो आपको ये सिक्किम दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ओके। तो यहाँ पर आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको नाथुला पास, ठीक है। तो इसके लिए ही विवादित है ये, और भारत और चाइना के बीच में इस संबंधित, देखिए ये सिक्किम है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ओके। तो देखिए आपको ये सिक्किम दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ देखिए चाइना का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो नाथुला पास पर चाइना एंड भारतीय आर्मी के बीच में अभी झगड़ा हुआ था, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, फियर ऑफ गॉड बुक के लेखक कौन है? तो बोम देवरा चंद्रवर्धन जी फियर ऑफ गॉड बुक के लेखक हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार ने मिशन सागर के तहत INS केसरी को तैनात किया है मेडिकल फैसिलिटीज़ और मदद करने के लिए प्रोवाइड, मतलब ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें प्रोवाइड करेगा, ओके। तो ये कितने देशों के बीच प्रोवाइड किया गया है? तो ये 5 देशों के बीच में प्रोवाइड किया गया है। तो 5 देशों को ये छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट है या मेडिकल से संबंधित कोई भी चीज़ है, दवाइयाँ हैं ये सब, और इसके अलावा थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें, जो भी एसेंशियल नीड है उन्हें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो INS केसरी और मिशन सागर दोनों को लिंक करके ध्यान रखना है, भारत सरकार ने मिशन सागर के तहत INS केसरी को साउथ साइड में भेजा है, ओके। तो हम देखते हैं साउथ कंट्री में भेजा है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, इनका नाम बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नरेंद्र बत्रा जी, राजीव कुमार, संतोष गंगावट और नेगी जी। तो अभी हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी को FIH प्रेसिडेंट का कार्यकाल मतलब दोबारा से बना दिया गया, FIH प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आएगा, ओके,
रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर किस देश ने अपनी सड़क का नामकरण करके उसे श्रद्धांजलि दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ ऑप्शन नहीं है आपके, लेकिन आपको ध्यान रखना है इजराइल ने। ओके, इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं 159। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार लिखती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की अभी हाल ही फिलहाल में 159वीं जयंती हुई थी। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंद्रनाथ टैगोर नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनकी 150वीं जयंती पर किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर, मतलब उस सड़क का नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है, इसके बदले इन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। ओके, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन गलत हैं। तो आपको अब ये देखना है कि किस देश ने ऐसा किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की 159 जयंती पर उन्हें इस तरीके से सम्मानित किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है अपनी सड़क के ऊपर उनका नाम देकर। ठीक है, तो इसका आपको देश का नाम ध्यान रखना है इजराइल। तो इजराइल ने अभी हाल ही फिलहाल में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159 जयंती पर अपनी सड़क का नाम बदलकर इनका नामकरण किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा के सचिव का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है प्राणवायु कार्यक्रम, तो आपको चार ऑप्शन में से ध्यान रखना है, बेंगलुरु, देहरादून, लखनऊ या जयपुर। तो हाल ही में बेंगलुरु सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है आपसे कि प्राणवायु कार्यक्रम भारत में किस शहर में शुरू हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में सबसे पहले प्राणवायु कार्यक्रम शुरू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में प्रियना हेरी और मेघन मार्कल की बायोग्राफी ओमी स्काबी और कैरोलिन डूरंट के द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, इस बायोग्राफी का आपको नाम बताना है। तो ये यूके के हैं, प्रियना हेरी और मेघन मार्कल। ओके, और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, राजघराने के हैं, आपको ध्यान रखना है राजघराने के, और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना राजघराना छोड़कर एक अलग जगह जाकर रहने लगे। ओके, ये सिर्फ अपनी स्वतंत्रता चाहते थे ना कि राजघराना। तो इनके लिए अभी एक बायोग्राफी लॉन्च की है, आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है किसके द्वारा ये बायोग्राफी लॉन्च की गई है, ओमी स्काबी और कैरोलिन डूरंट के द्वारा। ठीक है, अब इस बायोग्राफी का आपको नाम भी ध्यान रखना है, तो इस बायोग्राफी का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। ओके, तो प्रियना हेरी एंड मेघन मार्कल की बायोग्राफी का क्या नाम है, फाइंडिंग फ्रीडम, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ओमी स्काबी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय के द्वारा हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। ओके, यह एमएचआरडी यहाँ पे एम आएगा, एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा शुरू की गई है, इस हेल्पलाइन सेवा का नाम बताइए। तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने या उड़ीसा विश्वविद्यालय के द्वारा हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, तो ये इस हेल्पलाइन सेवा का आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, भरोसा, होप, गोल या प्रयोग। तो इस हेल्पलाइन सेवा का नाम गोल नहीं हो सकता, क्योंकि गोल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर में बताऊंगी। अर्जुन मुंडा ने एक गोल करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया है फेसबुक के साथ मिलकर, अर्जुन मुंडा ने एक कार्यक्रम शुरू किया है गोल के नेम से। ठीक है, फेसबुक के साथ मिलकर, ये आदिवासी जनजाति के लिए कार्यक्रम है, तो अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। होप जो है, होप पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो जो होप है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और जो गोल है आदिवासी जनजाति के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया है फेसबुक के साथ मिलके। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी, अभी जो मेन टॉपिक है हमारा, उड़ीसा विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। ओके, उड़ीसा विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, और ये किसके पहल पर शुरू हुई है, एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की। ठीक है, तो इस हेल्पलाइन सेवा का नाम बताना है आपको, तो इस हेल्पलाइन सेवा का नाम है भरोसा। ओके, उड़ीसा विश्वविद्यालय के द्वारा भरोसा नाम की हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो चार ऑप्शन है आपके, तो किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके, जम्मू कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन आपका तेलंगाना। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, तेलंगाना, और थर्ड ऑप्शन है आपका झारखंड, और छत्तीसगढ़ है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिया हुआ है उसमें मैंने आपको कई सारे ऐसे बताए थे, कई सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, एक तो जम्मू कश्मीर के,
आप अगर आपको ध्यान हो जम्मू कश्मीर की उसको केसर को जीआई टैग मिला है ओके। और अभी आपके क्वेश्चन आएगा तेलंगाना के तेलिया रुमाल है, एक तरीके से रुमाल होता है वो, उसे तेलिया रुमाल का नाम दिया गया, उसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा भी जीआई टैग मिलते रहते हैं, और सबसे पहले जीआई टैग 2004 में मिला था और ये दार्जिलिंग टी को मिला हुआ था ठीक है। तो अभी आपको बताना है सोहराई खोबर पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो ये है हमारा झारखंड ठीक है। झारखंड में जीआई टैग मिला है उसकी सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए ओके। तो ये पेंटिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में की जाती है और आदिवासी महिलाओं द्वारा दीवारों पर होती है ये पेंटिंग ना, दीवारों पर नक्काशी हल्की फुल्की, इसे हमारा यहाँ होता भी है, शादी ब्याह के मौके पर दीवारें सजा दी जाती है गाँव में अगर आप जाके देखेंगे तो। ये सोहराई खोबर पेंटिंग आदिवासी महिलाओं द्वारा दीवारों पर की जाती है, बहुत सुंदर पेंटिंग होती है। तो ये झारखंड में की जाती है और झारखंड को इसके लिए जीआई टैग मिला है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तेलिया फॉर तेलिया तेलंगाना, देखिए तेल तेल आ रहा है दोनों में, आपको ध्यान रखना है तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला हुआ है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, चार ऑप्शन है आपके, एमएसएमई मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, एमएचआरडी मंत्रालय। एमएचआरडी तो करेगा नहीं, संस्कृति मंत्रालय भी क्यों करेगा, रक्षा मंत्रालय भी क्यों करेगा, आपका ऑप्शन सही हो गया एमएसएमई मंत्रालय। तो अभी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया, तो MSME ओके। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस ठीक है। इस मंत्रालय की मैंने फुल फॉर्म भी बोल दी आपको, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस मंत्रालय द्वारा हाल ही में चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के गवर्नमेंट ने अपने पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो किस राज्य की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो चार ऑप्शन आपके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश ने तो की नहीं है, देखिए दिल्ली में बहुत सारा काम हुआ है बट पुलिस कर्मियों के लिए कोई पुरस्कार लॉन्च नहीं किया गया, उत्तराखंड में ऐसा कुछ बात नहीं हुई, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब देखिए घोषणा तो कर दी है लेकिन ये पुरस्कार दिया क्यों जा रहा है, तो जो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब पूरे के पूरे लॉकडाउन के टाइम पे भी अपने वर्क पर रहे हैं, अच्छे से काम किया है लोगों ने, तो इसके लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है। वो लॉकडाउन के टाइम पे भी घर से बाहर जाते हैं, ये सब करते हैं और अपनी सेहत की चिंता किए बिना औरों के लिए काम करते हैं, इसलिए ये हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी घाट ऐप लॉन्च किया है, तो सी घाट ऐप है जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो उसके आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड केरल। तो ये पहले आप जान लीजिए ये सी घाट ऐप है क्या, तो जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो भी आवश्यक एसेंशियल हमारी वस्तुएं क्या हो सकती हैं, आप खुद जानिए क्या है, रोटी है, जल है और ये सब, ये जो नॉर्मल वस्तुएं हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और इसके अलावा किसी अदर पर्सन के लिए और भी आवश्यक वस्तु हो सकती हैं, तो जो भी आवश्यक वस्तु होंगी हमारे लिए उनको प्रोवाइड कराने के लिए राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने सी घाट ऐप लॉन्च की है, तो ये है होम डिलीवरी करेगी ठीक है। आपके लिए जो भी आपके लिए आवश्यक है उसकी आप ऑर्डरिंग करेंगे और ये आपके लिए होम डिलीवरी करेगी ओके। तो किस राज्य सरकार ने सी घाट ऐप लॉन्च की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में सी घाट नामक ऐप लॉन्च की है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन बोलना है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रखा मिलेगा। इस देखिए इस जो ये जो मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बताए हैं आज की इस सीरीज में, आपको ध्यान होगा मैंने इससे पहले दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बताए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, पेपर में रखा मिलेगा ठीक है। तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए दो नंबर लेके आने वाला है ओके। दो नंबर किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, ये दो नंबर आपके कम से कम पक्के हैं, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, पूरा स्किप करके ना जाइएगा, बीच में से स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखकर जाइएगा। और साथ के साथ अगर फंसता है और आपको लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और आपको नाम तो पता चल ही गया होगा जैसे कि आपने इसे विजिट किया है, तो स्किल लर्निंग है। स्किल लर्निंग को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी जो मेहनत है उसकी अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी करके जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन ऑप्शन आप ऑप्शन देके जाइएगा कि भाई क्यों डिसलाइक किया है, आप जानकारी देके जाइएगा हमें इस बारे में। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें भारत का 74वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है पिछली बार 72वां था, दो स्थान पीछे गिर के कितना हो गया, 74वां हो गया। ओके, इतना ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको जो फर्स्ट है उसको तो हमेशा ध्यान रखना होता है। फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, ओके, जो यूरोपियन कंट्री है। सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड, ये भी यूरोपियन कंट्री है। थर्ड नंबर पे फिनलैंड, ओके, ये भी यूरोपियन कंट्री है। तो फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, थर्ड नंबर पे फिनलैंड, और फोर्थ नंबर पे क्या होगा, फोर्थ नंबर तो छोड़िए उसका नहीं होता, थर्ड नंबर तक आपको ध्यान रखना है। मोस्टली आपको अपनी कंट्री का और फर्स्ट नंबर का ध्यान रखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप थर्ड नंबर तक ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो मैंने तीन नंबर तक इसमें इसलिए बताया क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित है, इस वजह से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 74, आपको ध्यान रखना है भारत का, अपने भारत का कौन सा स्थान है, 74। ठीक है, तो फटाफट से आप इसकी लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, और आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा, सीरीज में हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर लेकर आएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वीकली करंट अफेयर देखेंगे, इनसे नोट्स बनाएंगे, इन्हें एंड टाइम पे भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो अगर 30 नंबर आते हैं, 30 नंबर का अगर आपके करंट अफेयर आए हैं एग्जाम्स में, तो और 30 नंबर से आपके 28 से 27 नंबर जाने हैं, क्योंकि मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, इनके 99 से 100% चांसेस है। और आज की वीडियो में भी मैंने आपको तीन क्वेश्चन कराए हैं, तीन में से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में रखे मिलेंगे। ओके, और ये एग्जाम आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन हैं किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है, टेट है, सुपर टेट है, और इसके अलावा DTPSSB, KVS एंड अदर UPSSC एग्जाम, SSC बैंकिंग के जो भी एग्जाम है, एनीथिंग ऑल एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग। इसी तरीके से स्किल लर्निंग को देखते रहिएगा, पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।